सर तो आज यहाँ पे जो एक एमपी यूनियन का आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, तो क्या इश्यू है आप लोगों का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले आए उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ऑल टेम्पो यूनियन के मेंबर्स की तरफ से। तो यहाँ पे अभी हम फोर्स मोटर्स के यहाँ पे वर्कशॉप में खड़े हैं। तो एक्चुअली 2022 में जैसे हमारा सीज़न काफ़ी अच्छा चला था, तो उसके बाद जैसे है आप लोगों को सबको वैसे पता है कि 22 के बाद टेम्पो हमारे मेंबर्स 22 तक हमारे पास 280 मेंबर्स थे। तो उसके बाद एकदम से सीज़न अच्छा चलने की वजह से एकदम से एक ही साल में 300 गाड़ियाँ हमारे पास नया आए थे यहाँ पे। तो 300 गाड़ियाँ जो हमारे पास है वो BS6 है, जो जिसका जो सर्विस जो है यही फोर्स मोटर के अलावा फिर बाकी कहीं बाहर हमें मतलब वो सर्विस नहीं मिलता है। तो उस सर्विस को यहाँ फोर्स मोटर्स के तो यहाँ पे जो डीलरशिप है उनका वो सर्विस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमने जो 300 गाड़ियाँ लिए थे तो 150 गाड़ी यहाँ से हमने लिए थे, बाकी इनसे जो नहीं मिल पाया वो हमने जम्मू या कहीं दिल्ली या कहीं अपना डाउन से हमने गाड़ियाँ लिए थे। तो जो 150 गाड़ियों को हमारा जो TCS होता है, 1% जो TCS होता है वो हमें विदिन वन ईयर्स हमें रिफंड हो गया था। यानी कि 18 लाख का अगर गाड़ी आता है या 19 लाख का गाड़ी आता है तो 1% हमारा 19,000 होता है। जो वो 19,000 हमें बाकी जो ले के डीलरशिप के अलावा हमने जो भी हमने डाउन से लिए थे उस सब का हमें TCS लगभग 19,000 का जो रिफंड मिलता है वो सबको मिल चुका है 150 गाड़ियों को। बाकी जो 150 गाड़ियाँ जो हमने ले से निकाला है उनका उनका हमें TCS अभी तक नहीं मिला है, जो कि हमारा 1.5 या 2 साल तक अभी हो गया है। तो अभी हम जब उसको क्लेम करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोलते हैं कि ले का जो ऑनर है अनवर साहब, उन्होंने वो TCS भरा ही नहीं है, वो अपने जेब में लेके वो बैठ चुके हैं। तो उसके बाद हमने इनको बार बार यही TCS के बारे में इनको बोलता रहा। तो एक दो बार हम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो ये यही झूठ बोलते हैं कि हमने पे किया हुआ है, आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्लेम करने के लिए जाओ। तो ड्राइवर लोग वैसे ही मतलब एक एक टाइम के बाद हमारा उम्मीद ही हम उसका मतलब छोड़ चुके हैं जो 19,000 है। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक बार हमें एक लॉलीपॉप यही खिलाया कि 18 लाख का 28 लाख का टोटल TCS बनता है, 18 लाख का हमें 18,50,000 का इन्होंने हमें एक चेक पकड़ाया जो कि बाउंस चेक है। तो वो अभी सब ज्यूडिस है, वो अभी चेक कोर्ट में अभी उसका केस चल रहा है, वो 18,000 का। अभी 10 लाख का फिर से उनको उनको फिर से हमने ये केस को सॉल्व होने के बाद फिर हमें केस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। चलो उस चीज़ का तो हम अभी थोड़ा बहुत भूल चुके हैं लोग, मतलब 1-2 साल में लोग भूल जाता है आपको पता है। तो चलो TCS का अभी हम उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि अभी जो सर्विस है, सर्विस अब सबको वैसे पता होगा कि BS6 गाड़ी में एक यूरिया या एड ब्लू करके गाड़ी में लिक्विड जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी में। वो चीज़ यहाँ पे टाइम पे नहीं मिलने की वजह से ड्राइवर लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। ड्राइवर लोग अब फ्यूल के बारे में नहीं सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा फ्यूल का वो चिंता नहीं है, उनको फोर्स कंपनी से यूरिया एड ब्लू नहीं मिलने का उनको चिंता उनका सताता है। तो एक तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने अगर डीलरशिप लिया है, एक तो मोनोपोली है यहाँ पे, दो अगर दूसरा कोई यहाँ पे फोर्स कंपनी होता तो चलो हम वहाँ चले जाते, यहाँ पे एक ही कंपनी होने की वजह से हम बार बार यहाँ पे आते हैं और ड्राइवरों के साथ इनका अनबन होता रहता है, यहाँ पे रोज की बात है। तो अभी हम यही चाहते हैं कि एक ही टाइम इसको सॉल्व कर दिया जाए, या अभी यहाँ के ओनर है इसको अभी अगर इन्होंने सरेंडर करना है तो सरेंडर कर दे टाइम पे, ताकि हम आगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन से या हो एक्सपेक्टेशन रखे या फोर्स मोटर से कोई एक्सपेक्टेशन रखे कि कोई दूसरा कैपेबल आदमी को ये मतलब हैंडओवर करे। तो अभी मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा ये यहाँ का टूरिज्म ही लद्दाख का ऐसा है कि हम 3 महीने में या 4 महीने में जितना कमाते हैं और 12 महीना अपने फैमिली को हम खर्चा पानी वो करते हैं यहाँ पे मतलब इनकम करते हैं। तो यही 3 महीने में गाड़ियाँ इनकम मतलब कमाई नहीं कर पाते हैं, तो मतलब फिर उसके बाद फिर ड्राइवर लोग फ्रस्ट्रेट नहीं है तो और क्या होंगे आप, यही चीज़ हम बोलना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे 3-4 ड्राइवर ऐसे हैं जो सीजन के स्टार्टिंग से 3 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मतलब इनका मैं अब क्या बोल रही, ये तो बिल्कुल मतलब इनका
कोई बयान सुनने वाला है ही नहीं सिवाय सिवाय टेम्पो यूनियन के। अब हम टेम्पो यूनियन एक फैमिली की तरह है, हम सब मिल बांट के खाते हैं, हम सब मतलब बराबरी का हिस्सा खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यूनियन में कोई ज़्यादा कमा ले, कोई किसी को हम जिसका जिस जो बोल नहीं पाते हैं जो उसको हम दबा के रखते हैं, ऐसा है नहीं है। पूरा ले वालों को पता है कि टेम्पो यूनियन से हम पूरा नंबर वाइज पे जाते हैं और सारा कुछ पेमेंट हम मिल बांट के खाते हैं। तो यही चीज़ हम आप लोगों के मतलब आप लोगों के सामने लाते हुए अभी मैं चाहूँगा आप दो तीन ड्राइवर से उनका भी आप पूछ लीजिएगा कि उनके साथ क्या क्या दिक्कत हुआ, क्योंकि 3 महीने से वो कुछ कमा नहीं चुके हैं, अभी हाफ ऑफ द सीज़न निकाल चुके हैं। तो इसके बाद खाली इनका उम्मीद अभी यूनियन के ऊपर है, बाकी मतलब गाड़ियाँ तो इनका तैयार है नहीं। अभी पता नहीं क्या, अभी ये बार बार हमारे पास आते हैं कि ये करो प्लीज़, आप कुछ बोलिए इनका ओनर के साथ कुछ बोलें। अब ओनर रोज़ झूठ पे झूठ बोलना उनका अब सुबह मतलब 2-3 साल इनको हम टाइम दे चुके, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। 2-3 साल से मैं अनवर को हाथ जोड़ के मतलब इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कुछ करो, अगर आपके पास या कुछ प्रॉब्लम है हमें बताओ आप, या आप हाथ खड़ा करना है आप बिल्कुल बंद कर दो, अब उसके बाद हम जो करना है हमें आगे देखना पड़ेगा। जी यार जुले, तो मेरा भी गाड़ी यहाँ पे 20-25 दिन से खड़ा है, और ऐसे पीक सीजन में खड़ा हो रहा है, ना कुछ कमाई हो रहा है। जितना भी इनको बोला बोलते हैं हम कुछ सुनते नहीं, टाइम पे टाइम देते जाते हैं, इनको इतना एहसास भी नहीं है कि हमारा रोजी रोजी रोटी इसी से चलता है। तो ये टाइम पे टाइम देते चलता है, और एक सेंसर गया था मेरा, उसमें छेद हो गया है, तो छेद ये बोल रहा है मेरे वजह से हो गया है। हो गया तो जी इनका काम है, इनके ये सर्विस इधर खोल के बैठा है, इनका काम है लेके पूरा लेके हर चीज़ देने का, सर्विस देने का। कल मेरा नोबरा में गाड़ी खराब हो गया, यहाँ तक कि इनका मैकेनिक भी नोबरा में था, यहाँ से तुर तुक तक नहीं गया जी मेरे के यहाँ से। इनको फ़ोन कर रहा हूँ तो बोल रहे ये लोग कि नीचे जा चुका है, और मैंने फिर मैकेनिक से फ़ोन करके बोला तो इन्होंने बोल रहे यहाँ से कोई फ़ोन ही नहीं आया। इस तरह से धोखा देते देते जा रहे हैं, यहाँ पे बनाने के लिए लाते हैं हम तो ये लोग टाइम पे टाइम देते जाते हैं, हाँ कल आ जाओ, ये नहीं होता है वो नहीं होता है। कल फिर मेरा एड ब्लू का चेक लाइट जला है, और ये लोग बोल रहे हैं टूर पे जाओ, कम से कम मेरा 80-90 हज़ार का टूर था, और ये लोग बोल रहे जाओ। अभी मैं जाएगा जी, कहीं रुक जाएगा मैं तो ये लोग सर्विस नहीं देंगे, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि एड ब्लू वो बोलते हैं कि एड ब्लू गाड़ी में ज़रूरी है, अभी हम इनसे मांगेंगे तो एड ब्लू इनके पास है नहीं। नहीं अगर हम कहीं बाहर से लगाएंगे ये बोलेंगे कि आपका वारंटी वाइड हो जाएगा, बाहर से ये उसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं लेंगे, मतलब ये इस तरह से धमकी मारते हैं। अगर हम बाहर से लेंगे वो भी हमारे पास चारा नहीं है, यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे भी नहीं है। अब ये बोलते हैं कि आगे से हमें सप्लाई नहीं आ रहा है, आगे हम फोन करते हैं, आगे इनका फोर्स मोटर्स में हम फोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा तो सर्विस वहाँ से बराबर जाता है, तो हम जाए तो कहाँ जाए। यही चीज़ पता लगाना है कि एड ब्लू के बिना गाड़ी चलता ही नहीं है। अब बाहर से लगाएंगे तो बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, गारंटी गाड़ी का वारंटी वाइट हो जाएगा, ये चीज़ें चलता रहता है जी। तो सर अभी यहाँ जो इतना सारी गाड़ी यहाँ पर खड़े हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठेंगे कि हड़ताल पे बैठेंगे, क्या करने है? सर हम यही करने जी जी हम यही करना चाहते हैं सर। अब ये देखिए ये बोल रहे हैं कि हम ये सर्विस बंद कर देंगे, तो हम यही करेंगे, बंद कर देंगे तो हमारा गाड़ी जाए कैसे, अब कैसे चलेंगे हम? इनके घर पे जाके हमने गाड़ी छोड़ देना है जी, चाबी इनके घर पे छोड़ देना है, उसके बाद हम बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे कि कोई कैपेबल आदमी को इसको हैंडओवर करो, या तो फोर्स वाले देखें, फोर्स मोटर्स देखें कि इनको कोई कैपेबल बंदे के पास छोड़े, कि नहीं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 2-3 बंदे का कोई हैरेसमेंट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से पूछिए, या पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी फोर्स मोटर्स बहुत ये गाड़ी बहुत है, वो उनको भी सर्विस बराबर नहीं है। आज सुबह शुरू कहाँ से हुआ था जी, एक एम्बुलेंस आया था, जो एम्बुलेंस आपको मतलब इतना ज़रूरी गाड़ी मतलब जो पेशेंट के लिए चलता है, वो गाड़ी सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ, उनको 2 महीने से मेन जो पट्टा होता है जो नीचे जिसकी वजह से लोड उठाता है, वो उनको 2 महीने से वो चीज़ नहीं मिल रहा है जी। वो भी यहाँ पे लड़ाई करके गया जी, वहाँ से शुरू हुआ। अब एम्बुलेंस वाले वो ड्राइवर का मैं मतलब उसको डिटेल भी दे सकता हूँ, वो मेडिकल वाले यहाँ से लड़ाई करके वो भी चले गए वापस, मतलब वो उम्मीद छोड़ के वो भी गए कि वो बोल रहे हैं कि बाहर कहीं बाहर से हम बना लेंगे जी। आप कुछ कहना चाहते हो? तो मेरा भी यही है सर कि मैं फरवरी इनिंग में गाड़ी इधर फास्ट सर्विसिंग के लिए लाया था 10,000 के बाद, तो यहाँ पे जैसे ही वो सर्विसिंग के लिए लगाया था तो उसके बाद क्या हुआ कि खाली ऑयल चेंज करने वाला था, तो ये लोग तो ऐसे ही है कि सभी बंदा लैपटॉप चलाता है, तो ये वाला गाड़ी तो BS6 वाला तो बिल्कुल लैपटॉप पे जो प्रॉपर वो मतलब उसका जो क्लास लिया हुआ है वो चला सकता है, तो सभी लोग ये जो
काम करने वाला है, ये पूरा लैपटॉप मतलब चलाता है। तो घड़ी में लैपटॉप लगाया और बोल रहा है कि उसको अपडेट करेगा बोल रहा है। तो उसके बाद घड़ी बस जैसे वो उसने वो चेंज किया हुआ है, अपडेट चेंज किया हुआ है, तो घड़ी बिल्कुल स्लैप नहीं उठा है। तो इधर यूं ही टू करके दिखाया तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक महीना इधर में पड़ा रहा, मार्च से अभी मार्च अप्रैल मई जून अभी 4 महीना चल रहा है मेरा, ना मेरा लोन भरने का, ना अभी तक एक दो ग्रुप किया हुआ है वो भी मैंने रास्ते में छोड़ के आया है। तो कल यही फिर से हमने यूनियन से इनको फिर से एक ग्रुप दिया, इनको मतलब ऐसे प्रायोरिटी वाइज इनको, नहीं तो नंबर वाइज ना सब इनको प्रायोरिटी वाइज दिया। बेचारा 90,000 का टूर था वो, फिर नुब्रा में इनको ये इनको छोड़ के गाड़ी वापस आना पड़ गया। तो ये लोन का इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहे, अपने बाल बच्चे कैसे पलेंगे आप देखिए ना। बिल्कुल देखो, खुद मैकेनिक जैसा बन गया ये, 4 महीने से खुद यहाँ पे गाड़ी रिपेयर कर रहे थे। देखो तो ये चीज इनका बातें कौन सुनेगा, यही चीज हम बोल रहे कि हमें मीडिया पे आने का शौक नहीं है, हम मतलब मजबूर है। हम मतलब जैसे 300 लोग है, 300 लोगों में से 100 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल तंग हो चुका है जी। बिल्कुल अब बोलेंगे कल को इनको कुछ हो जाता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन उठाएगा जी? हम तो कल से इनके घर पे गाड़ी छोड़ने वाला है जी, चाबी समेत। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगे, सीसी साहब क्या देख मतलब कुछ करेंगे, हमें उसके उनके ऊपर उम्मीद है जी। हाँ जी, तो सामान के लिए अगर सामान वो चेंज करना है तो एक सामान के लिए लगभग 10-15 दिन वेट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद फिर दूसरा सामान मंगवाया करेगा तो फिर 10-15 दिन वेट करना। तो इसीलिए मेरे को तो 4 महीना हो गया, अभी तक कुछ कमाया भी नहीं है। अभी जो मतलब इसका काम है वो इसका बास का बास भी नहीं है। मैंने पूरा देख लिया, इधर जो काम करने वाला है वो तो दूसरा काम करता है, मैकेनिकल का काम तो नहीं करता है ये वाला। ये तो जबरदस्ती इधर गुजार के इधर काम करने के लिए लाया है। नमस्ते। 2022 में मैंने एक BS6 लिया था वेरी फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर दैट उसके क्या हुआ कि काफ़ी सेंसर प्रॉब्लम आए मेरे। देन काफ़ी कोशिश की हमने, एक साल मैंने काफ़ी गाड़ी ऐसे चलाया, ट्राई किया। फर्स्ट साल ऑलमोस्ट मेरा 4 से 5 ग्रुप मेरे ख़राब हो गए। देन आफ्टर दैट मैंने फिर से कोशिश की, बट सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण मैं अनवर को कुछ नहीं बोल पाया। आज मेरा तीसरा चौथा साल चल रहा है, अभी तक मेरे को गाड़ी के कागज़ नहीं मिला है। कोई परमिट नहीं है मेरे पास, कोई RC नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैंने 22 लाख रुपए दिए थे इसको गाड़ी के लिए, उसमें से मुझे सिर्फ अभी तक गाड़ी ही मिली। सो आई होप यार, अनवर सर झूठ तो इतना बोलता है सर। पिछले साल गाड़ी डिमांड दिया था हमने सर, गाड़ी डिमांड के सीजन के बीच में गाड़ी आया नहीं तो गाड़ी कैंसिल थी। कैंसिल करने के बाद जो पैसा उन्होंने पूरा लिया हुआ है, अभी भी 1 साल हो गया, 8 लाख अभी भी 9 लाख नहीं मिला सर, अभी भी केस चल रहा है, झूठ पे झूठ बोलता है। नेक्स्ट हफ्ते में देगा, फिर नेक्स्ट हफ्ते में देगा, अभी 9 इंटरेस्ट तो लग रहा है सर बैंक में, अभी भी केस चल रहा है सर इनका, ऐसे झूठ बोलता है सर। तो मीडिया के हिसाब से हम यही बोलना चाहते हैं, प्लीज ये कर क्लियर कर ले। एंड हाँ, मीडिया से हमारा यही गुजारिश है कि प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल इस चीज़ को क्लियर किया जाए विद फोर्स मोटर्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेट के साथ जो भी है इनका। और हम चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे और सबका सीजन बेस्ट रहे। नहीं नहीं, एज ए मैं पहले बता रहा हूँ कि एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस कारण हम कुछ नहीं बोल पाए, बट नाउ सिचुएशन ये है कि अभी कंपनी ही डूब रही है, सो हमें बोलना ही पड़ रहा है इस कारण। सो हो सके तो एक बार हम पुलिस कंप्लेन लेके भी गए थे, मैं एज अ प्रेसिडेंट मतलब मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो उन्होंने फिर कंप्लेन लेके गया था, तो उन्होंने यही बोला था कि आपका TCS के जो प्रॉब्लम की वजह से वो सब ज्यूडिस है, तो पहले इसको सॉल्व हो जाने, तो उसके बाद हम फिर आगे फर्दर इंक्वायरी करेंगे जी। तो इनके काफी सारे इश्यूज है, अब इनका ओनर भी है जी, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं फोर्स मोटर्स को अभी चला के 9 साल हुआ मेरे को, BS3 से लेके BS4 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, BS6 में स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम आया हाल है। मैं मानता हूँ सबका जेन्युइन रीजन है जो ये लोग खड़े हैं जो मेरे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है मैंने नहीं दे पाया इनको। पिछले साल 2023 में जब गाड़ियां ली थी तो उस टाइम BS6 में काफी प्रॉब्लम आया था, गाड़ियां खड़ी होती थी, गाड़ियां डेढ़ दो महीने के लिए खड़ी हुई थी, बट वो एक R&D का प्रॉब्लम था सर, उसको इन लोगों ने विंटर में आके रेक्टिफाई कर दिया ले, किसी का स्टार्टिंग नहीं होता था, किसी का कुछ नहीं होता था, किसी का AdBlue आता था, AdBlue आने के बाद तो लिम मोड में चला जाता है, लिम मोड मतलब गाड़ी खड़ा होता है, अब उसको हम रेक्टिफाई कर रहे ले। मतंग हम लोग ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के मैकेनिक लाए हर जगह से, मगर ये मैकेनिक भी नहीं बना पा रहे थे टू बी ट्रूथ,
मैं सही सी बोटों ले हम जितना मैं भी लद्दाखी हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के सर्विस देने के लिए बैठा हूँ। अब ये मेरा जो कंपनी है फोर्स मोटर से ले, ठीक है ले, पिछले साल भी एड ब्लू का प्रॉब्लम था, ले इस बार भी इनका यही मुद्दा है कि एड ब्लू नहीं मिलता है। अब हमारे यहाँ ले में कुछ भी सामान मंगाएंगे तो हमें 25 से 30 दिन लगता है, ले 25 से 30 दिन में हमारा सीजन निकल जाता है, ले जेन्युइन रीजन है ये, जो भी बोल रहे जितने भी लोग बोल रहे ले। अब इसमें मैं जितना भी हो सकता हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे हम इनको सर्विस दे रहे ले। अब कोई गाड़ी है इस साल का बात करता हूँ, चलो 3 गाड़ी है ये बोल रहे यहाँ पे 1.5-2 महीना 3 महीना जितने भी हो गया ले, उसको हम नहीं बना पा रहे। 40-50 हज़ार का सेंसर हमने चेंज किया तो नहीं बना पा रहे ले। अब कंपनी से भी सपोर्ट लिया, बंदा आया यहाँ पे बना के गया, ये लोग टूर मारने गया वो भी नहीं हो पाया, तब मजबूरन मेरे को इनको अपना जो कंपनी का लैपटॉप होता है डायग्नोस्टिक सिस्टम, एक बंदे को मैं टूर पे भेजा ले, उससे ठीक चल गया, वही जो पुटअप करके मैंने कंपनी को भेजा ले ये चीज क्या है, तो अब उसको सोल्यूशन का अभी तक नहीं निकाला ले। तो इनका ये भी कहना है कि इन्होंने 3 साल से हो रहे इनका भी डिमांड दिया हुआ है, तो गाड़ी जो पैसा आपने लिया हुआ है मगर गाड़ी इनके हाथ में अभी तक नहीं है, क्या कहेंगे? वो कंपनी के फॉल्ट निकाले, पिछले साल क्या हुआ ले, हमारे पास जितना भी कैपेसिटी था हमारे पास ले, हमने 150 गाड़ी दिया कि 151 गाड़ी देश से डिलीवर किया ले, उसके बाद जो भी बचा ले 5-10 दो साल 27 में जी जी। अब वो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज, हाँ इसमें थोड़ा गलती हमारा भी है, फोर्स मोटर से हमारा भी वो फंसता है ले। इसमें क्या हुआ ले, हमने गाड़ी दिया ले 15-20 गाड़ी को नहीं पहुंचा ले लोगों के लिए, अब वो 15-20 गाड़ी हमने जुगाड़ करके दिया ले पंजाब से दिया, किसी को रिफंड करना था रिफंड किया, किसी ने केस किया हमारे ऊपर, अभी भी केस चल रहा है मेरे पास एक बंदे का, 7-8 लाख रुपए उसको वापस देना है क्योंकि उसका कंप्लीट नहीं हुआ ले, हम उसको भी रेक्टिफाई कर रहे ले, 1.5 करोड़ का हमने सबको रिफंड दिया था ले। अब इसमें मेरे भी प्रॉब्लम है ले, मैंने भी गलती किया है ले, और ये फोर्स मोटर्स के भी हुआ ले क्योंकि गाड़ी टाइम पे हम डिलीवर नहीं कर पाए ले, सो उसके पीछे इन लोगों ने वो भी केस भी किया है ले। तो आपने कंपनी से वालों से बात नहीं, बात किया कल है, बात किया क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं लोकल है जी जी, कल पे इन्होंने भरोसा करके आपसे एग्जैक्टली कल एग्जैक्टली, तो आपको भी कंपनी वालों से बात करना चाहिए क्योंकि चलाना तो आपको है जी, चलाना है कल जी जी। अब उसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं चला रहा हूँ जितने मेरे पास हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अब ये इनकी डिमांड है कि आप इसको अब आगे चलाना है, कि इनकी जो अभी डिमांड है उससे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, जितना मेरे से हो सकता है जो मेरे कैपेसिटी में जो मैं काम करना हो यहाँ पे मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ले। अब उस पर ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो अगर चाहते तो मैं पीछे बैकफुट हो जाता हूँ। आपको आप एक चीज बोलिए ना, हमें क्लियर कर दीजिए, हमें कंफ्यूजन में, मतलब अब हमें यही बोलिए कि आप सर्विस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? नहीं, सर्विस हम दे रहे हैं काले याले, हम दे रहे हैं आप लोगों को सर्विस, बट तो सामान जो है शॉर्टेज पीछे से हो रहा है ना काले। तो एड ब्लू के बिना तो गाड़ी चलता नहीं, नहीं चलता है, एड ब्लू आपके पास है नहीं है, हाँ, तो फिर कैसे चलना? अब बाहर से लगाना है, बाहर से डालने से आप बोलते हैं कि वारंटी वाइट हो जाएगी, उसका जिम्मेवार आप नहीं उठाएंगे। वारंटी वाइट की बात नहीं काले, इसमें क्या होता है एड ब्लू जो होता है एड ब्लू की वजह से आपका जो सिस्टम अभी BS6 में आया वो खराब हो जाता है काले, खराब हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं, क्यों नहीं ला पा रहे हो? हम ला रहे हैं अभी, तो हमारा 250 का अभी पिछले 10 दिन से आपके पास नहीं है, 10 दिन से नहीं, यहाँ पे सब गवाह है बैठे हुए, मैं ओके 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 डन डन डन। तो आपके पास अगर अभी एड ब्लू नहीं है हम गाड़ी कैसे चलाएं, आप उसका सॉल्यूशन बताइए हमें। आपको 2-3 दिन तो रुकना पड़ेगा काले यार, क्योंकि हमारा सीजन शॉर्ट है ना भाई, साल हो गया हम रुक के, 3 साल हो गया, अब 2-3 साल कैसे चलाएंगे आप वो बताओ ना। 2-3 साल मैं ये चीज को ना ले कंपनी के साथ पुट अप करके, नहीं नहीं इस चीज को मैं कंपनी के साथ पुट अप करके हम थोड़ा ज्यादा ला के यहाँ पे स्टॉक रखेंगे ले। 2 साल से तो यही बोल रहे हो ना सर, यही चीज आप आ रहे हैं कि 2 साल से आपको ये जो प्रॉब्लम, नहीं अभी तो मेरे ख्याल से ना ले 3 आदमी को छोड़ के, ये लगता है कि आपका और कंपनी के बीच में थोड़ा तालमेल नहीं लगता है, इसके बारे में या तो आप खड़ा कर दे छोड़ दे तो कोई हम कैपेबल बंदा ढूंढ के फोर्स मोटर्स दे देगा। अनवर साहब एक तो ये ब्लैंक चेक है ना आपका, पहले इसमें पैसा नहीं है, ये कब कब का दिया हुआ है? 1 साल हुआ है इसका, गाड़ी भी नहीं मिला है, इनका हो रहा है सर अभी जी जी हो गया सर इनका, हम लोग कोर्ट में भी केस किया हुआ था, हम लोग कंपनी से पुटअप करके इसको हमने रिजॉल्व किया है, टाइम इसे 1-2 दिन में इसका कंप्लीट होने वाला था। कोई भी कंपनी होता ना अनवर साहब, कोई भी कंपनी का वो रिफंड करता ही करता है, 1 साल नहीं, 2-3 महीने में करता है जी जी, तकरीबन 2 साल हुआ आपको, इसमें तो कुछ फोल्ड होगा, आपने खाया होगा या कुछ होगा ना, वो तो आप मान सकते हो सच में, ये आपने खाया होगा मेरे ख्याल से जी जी जी। लेकिन अभी से मैं बोल सकता हूं आप ऐसा बोल दीजिए कि क्या करना है यार, ये इनके साथ आपका क्या डिसीजन क्या होगा? डिसीजन मैं सोचता हूँ इसको मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि 9-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ ले, मैं कंपनी से पुटअप करके जो भी इसका जो एड ब्लू का शॉर्टेज है हमारे पास, ये सामान का जो है वो सब शॉर्टेज है, हम उसको फुलफिल करेंगे ले। तो आप लोग इससे वो है
फिर ठीक है, कल एक काम करेंगे ले, हम कंपनी के पास चले जाएंगे यार, इनका रिप्रेजेंट लेके इनके साथ जाके हम लोग कंपनी में बात करेंगे यार, वहाँ पे हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, पहले आज कंपनी से बात करके फिर जैसे वो लोग टाइम देंगे। सीजन भी है यहाँ पे, आपको पता है सीजन शॉर्ट है, एक तो लोन भी होगा इनका। जी जी जी, बस ये बस एक दो दिन में मैं गाड़ी का कागज प्लीज करा है, यहाँ से श्रीनगर जाना होता है, मनाली जाना होता है, मैं रिजॉल्व करके मैं एक दो दिन में आप लोगों को बाइक दे दूंगा फिर। थैंक यू, थैंक यू।